झुंझुनू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को एक विदेशी महिला का बेटा बताया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता है और हो भी ऐसा ही रहा है। राहुल गांधी लगातार देश और देशवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं। देश के लोगों को हिंसक और झूठा कहना हिंदुस्तान और हिंदुओं का अपमान है। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता है। और अब बात सतीश पुनिया की करते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी की वापसी करानी है, सरकार एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी बनाएगी। कहा कि भले ही लोकसभा में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाएगी। वरिष्ठ नेता व हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया आज बाड़मेर दौरे पर है और आज यहां पर इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से और जनसुनवाई भी की है। इसके साथ ही यहां पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ में हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद में बाड़मेर पहली बार आए। सर, पहले तो आपको बधाई, और किस तरीके से देखते हैं हरियाणा को? हरियाणा किसानों की, वीर जवानों की भूमि है और स्वाभिमानी धरती है। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के जनमानस ने राष्ट्रवाद के विचार को अपनाया, स्वीकार किया। हालांकि हरियाणा परंपरागत रूप से गैर कांग्रेसी फितरत का रहा है और इस लिहाज से कभी चौधरी देवीलाल जी, कभी अलायंस, कभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देते रहे। जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता होगा, देश का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन राहुल गांधी परिपक्व नहीं हुए, वरना कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जिस पार्टी ने 70 वर्षों में 55 साल राज किया, जो 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी पार्टी है, उसका नेतृत्व आज जिस तरीके से दिशाहीन है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बयान में कोई दम है। कैमरा पर्सन जनपद के साथ प्रेम नंदे था, न्यूज 18 बाड़मेर।